हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कुकर में क्या कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक की सब्ज़ी। तो मैं ड्रम स्टिक का जो पानी है जो उबल कर अलग किया हुआ था उसमें मैंने बेसन भिगो दिया है, और अब मैं इसमें मसाले कर रही हूँ। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और बस इनको पानी में ही मैंने मिक्स कर दिया है। और यहाँ मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने राई डाल दी है, और हींग, और लहसुन, और जो मिर्च मैंने कूट कर रखी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ साथ में मैंने मूंग की दाल भी भिगोई है, क्योंकि त्रुही को ये सब्ज़ी नहीं पसंद है। ये सब्ज़ी सिर्फ मेरे और विहान के लिए है। तो ये तड़का लग गया है, और मैं ये जो भिगा हुआ जो बेसन है, ये अदरक और सॉरी लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट है, तो थोड़ी इसमें डलेगी और थोड़ी मूंग की दाल में। तो अब जो भिगोया हुआ जो बेसन है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और इसमें एक उबाल आने के बाद मैं ड्रम स्टिक इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से उबालूंगी। थोड़ा सा और भी पानी डलेगा इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। ये सब्ज़ी मुझे और रिहान को ही पसंद है, त्रुही को पसंद नहीं है। मेरे मिस्टर आज एज़ यूजुअल वो ऑफिस जाते हैं, तो उनका लंच नहीं होता है घर पे। तो अब मैं इसे उबालूंगी अच्छे से ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। और ये देखिए, हमारी ड्रम स्टिक की सब्ज़ी तैयार है। गुड्डू आ गया है स्कूल से, और अब हम लंच करने के लिए बैठेंगे। उसकी और त्रुही की मस्ती चल रही है। और ये देखिए, मेरे बाल जो मैंने बोला था मेरे लास्ट वीडियो में कि मैंने हेयर कट करवाए हैं, तो मेरे इतने थे, मैंने इतने कट करवा दिए। मेरे स्टेप थे, मैंने मल्टी स्टेप करवाए हैं। फिलहाल अभी बाल गीले हैं, तो ठीक से कट दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब सूख जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको कि एक्चुअली कट कैसा है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं और इन लोगों को लंच देने के बाद। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6, और चाय वगैरह सब कुछ हो गया है। गुड्डू और त्रुही कुछ काम से बाहर गए हैं, और सॉरी बहुत जुकाम हो गया है। तो डिनर में आज बन रहे हैं बेसन के चिले, बहुत दिनों के बाद बन रहे हैं। तो बस मैं यहाँ मिर्ची कटर में हरी मिर्च, टमाटर और ओनियन को पीस रही हूँ, और मैं बेसन है वो भिगो कर रखूँगी। अभी तो 7:15 बजे हैं, लेकिन बेसन अच्छे से मसाले के साथ थोड़ी देर भीग रहे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद में बेसन को भिगो कर चिले की तैयारी कर लूँगी। आप लोगों के लिए एक मेकअप वीडियो बनाया है, एवरीडे मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं कि मैं एवरीडे मेकअप लुक कैसे करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी अच्छी कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि एवरीडे मेकअप लुक मैं कैसे करती हूँ। यहाँ मैंने मेरी स्किन को प्रेप कर दिया है और मॉइस्चराइज़र भी लगा दिया है। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, मैक का। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, मुझे ऐसे
कभी मैंने लगा ही नहीं, इसलिए चलो सोचा कि आज चलो इस तरह से लगा लेते हैं। तो मैंने ये मेकअप लगा लिया है, सॉरी फाउंडेशन लगा लिया है, और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे फेस पर ब्लेंड कर दूंगी। और ये सिंपल एवरीडे मेकअप लुक है, तो इसमें मैंने कॉन्टूर नहीं किया है। मैंने इसमें दो कलर की आई शेड्स ली हैं, तो आप एक कलर स्किप कर सकते हैं। ये देखिए फाउंडेशन लग चुका है पूरी तरह से फेस पे, और अब मैं कर रही हूँ, कुछ आँख में चला गया है। अब मैं आईब्रो पेंसिल की हेल्प से आईब्रो फिल करूँगी। क्लेम 21 की आईब्रो पेंसिल है। यहाँ आँख पर मेरे फाउंडेशन लग गए, इसलिए मैं थोड़ी सी आईब्रो पेंसिल वहाँ लगा रही हूँ। ये आईब्रो पेंसिल मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। आप मेकअप करें या ना करें, आपको आईब्रो फिल ज़रूर करनी है, इससे आपका फेस थोड़ा सा अलग दिखता है, कंप्लीट दिखता है। तो मैं आईब्रो पेंसिल से आईब्रो फिल कर चुकी हूँ मैं यहाँ। और हमेशा मैं कहती हूँ कि ब्राउन शेड ही आप यूज़ करें, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तभी आप ब्लैक शेड को यूज़ करें। ये देखिए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है फेस पर। इसके बाद अब मैं मार्स का जो लूज पाउडर है वो मैं ले रही हूँ। ये अभी रिसेंटली मैंने लिया है, और इसका रिव्यू भी मैंने दिया था, और मैं अपने फेस पर इसे लगा रही हूँ अच्छे से। और इसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ, ये ओलिविया का पेन स्टिक है, तो इससे मैं अपने फेस को कंसील कर रही हूँ, अंडर आई एरिया, नोज़ पे, और मेरे होठों के आसपास थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन एकदम फेयर है तो आप ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं, एवरीडे सिंपल मेकअप लुक है तो। लेकिन मेरे फेस पर ज़्यादा पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल है अंडर आई, तो मैं इसे कंसीलर लगा रही हूँ। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड होने के बाद शायद आपको लग सकता है कि आपका फेस थोड़ा वाइट लग रहा है, लेकिन हर एक मेकअप प्रोडक्ट को अपने फेस पर सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये शुरुआत में आपको वाइट लगेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स ये आपके फेस पर सेट हो जाएगा। तो अब मैं ये एडीएस की काजल लगा रही हूँ अपनी आँखों में, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और ऊपर लगाने से आपकी अगर छोटी आँख है तो बड़ी आँखें दिखती हैं, मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए आँखों का पूरा लुक चेंज हो गया है। अब मैं मेरा जो ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट है उसमें से मैं आई शेड लगा रही हूँ। सिंपल मेकअप है तो मैं यहाँ जो नेचुरल कलर है वो मैं ले रही हूँ आई शेडो में, अपनी आई लिड के दोनों तरफ मैं ये लगा लूँगी। और अगर आप चाहें तो ये एक ही शेड रख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कट क्रीज पर इससे एक डार्कन शेड ले रही हूँ। और ये जो अभी माई लिड पर मैं शेड लगा रही हूँ वही शेड मैं अपने अंडर आई भी लगा लूँगी, ताकि ऊपर और नीचे आँखों का जो कलर है वो इवन लगे। आप ये एक कलर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एक शेड डार्कर ले रही हूँ अपने क्रीज एरिया पर, ताकि थोड़ी आँखें हैं वो थोड़ी बड़ी लगे और थोड़ा डीप दिखे आंखें। तो अब मैं इसे लगा रही हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मैंने आई लिड पर जो कलर लिया है आई शेडो का, वही मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ। आपको ये बात ख़ास ध्यान रखनी है कि जो आप आई लिड पर जो आई शेडो का कलर लगा रहे हैं वही आपको आपके अंडर आई पर लगाना है। आप चाहे तो थोड़ा डार्क भी लगा सकते हैं, ताकि एकदम इवन टोन दिखे आपकी आंखें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। ये देखिए मेरे फेस पर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी मेकअप लगा है ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा है। अब मैं कॉन्ट्रिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सिंपल मेकअप है। अब मैं कॉम्पैक्ट से अपना जो सारा मेकअप है वो मैं सेट कर दूँगी। ये हिलेरी हुडा का कॉम्पैक्ट पाउडर है,
अब मैं अपने मेकअप को इससे सेट कर रही हूँ अच्छे से, गर्दन पे, कानों पर, आपको सभी जगह करना है ताकि एक ही कलर दिखे, दो अलग कलर ना दिखे, मैं हमेशा ये कहती हूँ। अब मैं लगाने जा रही हूँ मार्स की आईलाइनर, काफ़ी अच्छी है और जल्दी ड्राई हो जाती है। मैं एकदम थिन आईलाइनर कर रही हूँ, विंग आईलाइनर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल और एवरीडे मेकअप है तो एवरीडे में आप विंग लाइनर नहीं लगाते, तो मैं एकदम से थिन लाइनर लगा रही हूँ अपनी आँखों पर। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा आँखों में पूरा फ़र्क नज़र आ रहा है। और अब लास्ट में मैं ये एवरीडे है इसलिए मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। पहले मैं ब्रश की हेल्प से इसे मेरे लिप लाइनर लगा दूँगी ब्रश की हेल्प से, उसके बाद मैं लिपस्टिक को अपने पूरे होठों पर अप्लाई कर लूँगी। लिप लाइनर ये लाइनर बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको एक बॉर्डर मिल जाती है कि आपको इसके अंदर ही आपको अपनी लिपस्टिक अप्लाई करनी है। और ये सिंपल और एवरीडे इसलिए मैं पिंक कलर चूज़ किया है, आप अपने पसंद का कोई और भी शेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल एवरीडे मेकअप है तो एकदम लाइट कलर मैंने लिया है, सारा मेकअप लाइट है तो इसलिए। और ये देखिए, मैंने अपने बालों को खुला कर दिया है और ये रहा फाइनल लुक, सिंपल एवरीडे मेकअप। आपको आप इसे नो मेकअप मेकअप लुक भी कह सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।